सबको प्रेज द लॉर्ड। चर्च एक पेड़ के जैसे होता है। चर्च एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं और डालियां होती हैं, जड़ होता है। अगर हम पत्तों की बात करें तो कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो उनका मौसम होता है कि एक टाइम पे वो बहुत अच्छे हरे भरे दिखेंगे, और कलीसिया में उनके अनुसार कुछ नहीं हुआ या उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा चर्च तो वो मुरझाने लगते हैं, यहां तक कि टूट कर भी गिर जाते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं होता चर्च में, वो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि मुझे अच्छा क्या लगता है चर्च में। वो क्या चर्च को देते हैं उसके बारे में बहुत कम ध्यान देते होंगे। और दूसरी किस्म के लोग होते हैं वो डालिया, जो मजबूत तो होते हैं, डालिया मतलब ब्रांचेस, बहुत मजबूत होते हैं, मगर जब तूफान आता है तो ये डालियां टूटकर गिर जाती हैं। तूफान का मतलब जब कुछ भी बात उनके ठेस पहुंचाने जैसे हो, जैसे कि सेवकाई को लेकर पासवान उनके ऊपर सख्ती से पेश आए, या उनको कुछ कार्यों को करने के लिए बोला जाए चर्च में, या उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाए, जब मजबूती के काम उनसे उम्मीद रखा जाए तो उस समय ये लोग टूट जाते हैं। ये लोग परमेश्वर के लिए कुछ सेवाओं में भाग लेना या कलीसिया के आगे बढ़कर कुछ करना उनके बस की नहीं होती, तो इसलिए वो पेड़ से टूट जाते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जड़ होते हैं कलीसिया के, और ये वो जड़ होते हैं जिनको कभी मायने नहीं रखता कि वो आगे कितना दिखते हैं, कितनी उनकी तारीफ होती है, कितना उनके बारे में अच्छा बोला जाता है, पर ये उन कलीसियाओं के लिए हमेशा सारी अच्छाइयों को करने की सोचते हैं, कलीसिया के दर्शन के संग, पासवान की सेवकाई के संग बने रहते हैं। तो वो लोग कभी भी अपनी तारीफ नहीं, परमेश्वर की महिमा ढूंढते हैं। तो ये जड़ होते हैं, और जो जड़ मजबूत होता है वो फलदायक होते हैं। तो आप और मैं किस में आते हैं? क्या हम पत्ते तो नहीं, क्या हम डालियां हैं, या हम अपनी कलीसिया के मजबूत जड़ है जो फलदायक होने वाली है? सोचिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। God bless you.